ये एक पौराणिक वो हमारे परंपरा में है, एक इंसिडेंट है गोरख पुराण में कि बाबा गोरक्षनाथ को एक राज्य में प्रवेश करना था, जो वहाँ की रानी जो थी वो हनुमान जी की भक्त थी और हनुमान जी वहाँ आके रोज़ गर्जना जब करते थे रात को तो कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचता था। ये वो जगह अभी भी है मैंगलोर के पास कर्नाटक में, दैट्स अ प्लेस। तो अब कोई भी पुरुष नहीं जाता, सारी स्त्रियाँ थी। तो गोरक्षनाथ जी को प्रवेश करना था उसमें, तो कैसे करें? तो वो जो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक स्त्रियों का जो गाना बजाना वाले जो म्यूजिशियंस हैं उनकी टोली रानी के पास जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने को ट्रांसफॉर्म किया। ये आपके अब कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन उच्च की अवस्था में भारतीय योगियों ने रूपांतरण की विद्या भी सीखी थी, तो वो स्त्री का रूप धारण कर लिया और उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि अपनी योग विद्या के द्वारा उन्होंने वाद्य वृंद जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बजाना, उनके अंदर आर्ट आ गई मृदंग। तो वो क्या योग विद्या थी, वो जो ब्रेन के अंदर जो फंक्शंस हैं, ये योगियों ने साधना करते करते एक एक पोर्शन को उन्होंने समझ लिया और उसको कैसे एक्टिवेट करना है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो वो यहाँ पे मेडिटेट करके वो अपने अंदर वो जो खेल के अंदर जो गुण हैं उसको पैदा करे। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, सो एक्टिवेट योर ब्रेन फैकल्टीज़, वो जो डॉर्मेंट फॉर्म में है, जो मैंने कहा ना अनंत सोया हुआ है और इस अनंत को जागृत करना है। तो वो उन्होंने वो किया, तो उसने कहा क्या बजाती हो, बोले मृदंग, बोले बजा के दिखाओ। तो बहुत सुंदर बजाई, तो फिर वो रानी के पास जो गए, आपने सुना होगा जाग मचंदर गोरख आया, तो वो ताल में से आवाज़ निकलती थी। तो ये जो पौराणिक खाली कहानियाँ नहीं हैं, वो योग विद्या जो कि हमारे योगियों के पास, शिव योगियों के पास थी, उसका एक उल्लेख है ये। तो ये ब्रेन, अपना ब्रेन देखो और इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ क्या क्या फैकल्टीज़ हैं आपके अंदर।